हमारे पास परमुटेशन का एक क्वेश्चन है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन। मतलब कि एक कमिटी है जिसमें 8 लोग हैं और इसमें क्या करना है कि हमको एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। कंडीशन यह है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेम आदमी नहीं होना चाहिए, चेयरमैन अलग होना चाहिए और वाइस चेयरमैन अलग होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए 8 लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लोग हैं, इन्हीं में से एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। तो क्या करेंगे हम, एक बार में 2 लोगों को चूज करेंगे जिसमें से, मान लीजिए इनको चूज किए और इनको चूज किए, तो एक चेयरमैन हो जाएंगे एक वाइस चेयरमैन, तो दोनों अलग अलग हैं। या फिर इनको चूज करें या इनको चूज करें तो एक चेयरमैन हो जाएंगे एक वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। तो इस तरह से कितने वे में हम एक वाइस चेयरमैन एक चेयरमैन चूज कर सकते हैं। तो हमको पता क्या है कि हम जब भी चूज करेंगे तो 8 में से 2 लोगों को चूज करेंगे, यानी कि 8P2। अब इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 8 factorial upon 8 minus 2 factorial, तो हो जाएगा 8 into 7 into 6 factorial upon 8 minus 2 equal to 6 factorial, 6 factorial cancel, 8 into 7 equal to 56। तो टोटल 56 वेज हैं चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करने के लिए। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको 2 चूज करना है यानी कि 2 dash, और हमको पता है कि 8 में से किसी एक को चेयरमैन चूज करेंगे और किसी एक को वाइस चेयरमैन। तो सबसे पहले जब 8 में से किसी एक को चेयरमैन चूज करेंगे यानी कि टोटल अवेलेबल है 8, तो चेयरमैन चूज करने के लिए 8 है, तो 8 में से कोई एक चूज कर लिए तो बचे 7, और 7 में से किसी एक को वाइस चेयरमैन चूज करेंगे यानी कि अवेलेबल है इस टाइम 7, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 56।